हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और उधर या है ना उसको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। देखिए भाभी, इन सब चीजों पे मेरा विश्वास तो नहीं है, पर अगर इससे सबको तसल्ली मिलने वाली है तो हमें जल्दी से जल्दी उस सरिया को ढूंढना पड़ेगा। पर कब ढूंढे हम? आज रात को, आज रात को हम उस जरिए को ढूंढेंगे। रात को? क्यों, डर गए आप? डर ही गए होंगे भैया, बचपन से डरपोकी है वो। ए शीला, तेरी जैसी बहन जिसको हो ना वो डरता ही है पूरी जिंदगी। मान लिया ना आपने, डरते हो आप, डरपोक। ए डरता नहीं मैं किसी से, शर्मिला करेंगे हम छानबीन रात को। वाह, दैट्स माय लाल, ये हुई ना स्पिरिट। ठीक है, फिर तू और बहू दोनों मिलकर जरिए को ढूंढना, हमारी कोई जरूरत नहीं होगी। हम सबको ढूंढना पड़ेगा जरिया सासुमा, वो ऐसा वैसा नहीं है, मोनिका का जरिया है और उसने हमारा जीना हराम किया है, इसीलिए उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने और देर कर दी ना तो मोनिका एक एक करके सबको अपना शिकार बनाएगी और आखिर में वो कदम उठाएगी जिसके बारे में मैंने सपने भी नहीं सोचा है। मैं उसका मकसद कभी पूरा नहीं होने देना चाहती, इसलिए हमें मोनिका को यहाँ पे आने से रोकना पड़ेगा और उस जरिए को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं भी आऊंगी जरिए को ढूंढने के लिए, डरती नहीं हूँ मैं किसी चीज से। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही भाभी, हमको पता ही नहीं जरिया कैसा दिखता है, फिर हम उसको कैसे ढूंढेंगे? हाँ शर्मिला, हमें पता ही नहीं जरिया कैसा है। ढूंढना कैंसिल। कोई कैंसिल नहीं, अगर हमने जरिया कैंसिल कर दिया तो मोनिका हम सबको कैंसिल कर देगी, ये फुल एंड फाइनल है। हम सब मिलके जरिए को आज रात को ढूंढने जा रहे हैं। वो कैसा भी हो सकता है, बड़ा छोटा, हमको बस ऐसी चीज ढूंढनी है जो हमने अब तक पहले नहीं देखी हो। किसी के भी रूप में हो सकता है वो, पर हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं ये कहाँ पे चले गए हैं, ऐन वक्त पे छोड़ के चले गए परिवार को हवा पे। ओ हवा हवाई, मैं भागा नहीं था, मंदिर गया था भगवान जी के पास ये बोलने के लिए कि सोसाइटी में जो भी भला आई है, बहन है वो उसकी, जो भी परेशानियां हो रही है सबको, वो सबकी परेशानी खत्म कर दे भगवान। परेशानी तो क्या, शादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, अभी तो परेशानियां ही परेशानियां है। डरो मत मित्रा, डरो मत, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ब्रांडेड घर में कोई नहीं आता, अनब्रांडेड लोग तो बिल्कुल नहीं आते। शांत सो जाओ, सो जाओ। कोई दरवाजा खुल तो नहीं गए, मैंने तो कड़े लगाए थे। कोई नहीं है, भगवान कहाँ फंस गए हम? इधर कर, दरवाजा ठीक से लगा नहीं है। चलो लग गया। क्या हो गया, कड़ी कैसे लॉक हो गई? अभिजीत दोपहर को टिफिन लेने आने वाला था, शायद आ गया होगा। हेलो।
अभिजीत, अभिजीत दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ चला गया? टिफिन तो मैंने बनाया भी नहीं है। अभिजीत, अरे गाड़ी तो आ गई उसकी, फिर वो कहाँ है? गाड़ी तो नीचे ही है, फिर ये कहाँ चला गया? पता नहीं क्या करता रहता है। इस बार तो जाने हद ही कर दी। क्या कर दिया उसने? केमिस्ट्री की मैम को हमारी चुगली लगा दी, बोलती है हम उनके सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करते और ऊपर से उनकी बुराई करते हैं। What? हाँ, उसका ज्यादा हो गया। मुझे तो लगता है उसको कुछ करना ही चाहिए। मुझे तो मुझे एक नंबर की डायन लगती है, डायन। श्रेया, क्या देख रहे हो श्रेया? कहाँ जा रही हो श्रेया? श्रेया रुको, कहाँ जा रही हो तुम? कुछ भूल गई क्या श्रेया? ओनो, श्रेया तो रोड पे जा रही है। श्रेया, तुम रोड पे जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? कैसे पता नहीं चला तुम्हें? वहां से तुम पीछे घूमी हो और सीधा आ रही हो यहाँ पे। चलो अब घर। चलो, विकास कहाँ है बाय द वे? वो तो पहले ही चला गया घर, उसको बहुत भूख लगी थी बोल रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है, अभी जाते तब से पहले खाने वाला हूं मैं। मम्मी, ये बाबू ताला है, लगता है मम्मी कहीं पे चली गई। हाँ, इधर ही कहीं पे होगी। मम्मी, ए मम्मी, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है मम्मी। क्या हुआ कदड़े? क्या मैं आपको कितनी देर से बुला रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रही थी? इधर मुझे इतनी भूख लगी है, भागा भागा आया हूँ मैं कॉलेज से। मामे, ये क्या कर दिया जी आपने? ऐसा क्यों लगा कि कोई हंस रहा है? अरे शर्वरी, तुम बहुत बोर हो रहा था, सोचा तुम्हारे पास आके कुछ बातचीत कर लूं। आओ ना, फिर बातें करते हैं। बताओ फिर कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल? मेरा भी सब कुछ खैरियत से है। जॉब ठीक से चल रहा है ना? बहुत अच्छा चल रहा है जॉब। तुम्हारा डांस क्लास ठीक है ना? डांस तो अच्छा चल रहा है, और उसी की वजह से उस दिन प्रैक्टिस करने गई थी, पर ये भूल गई कि नीचे वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर बाद में वो गिटार का आवाज भी आ रहा था ना, सब पैनिक हो गए थे। अरे सोया, मैं तुमको ही कॉल कर रही थी, तुमने कॉल नहीं उठाया। वो दरअसल मैं जरा बिजी थी। सोच रही हूँ, बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं गई। हम दोनों शॉपिंग चलते हैं अभी? हाँ अभी, क्योंकि अभी वक्त अच्छा है। ठीक है चलते हैं, मैं पर्स लेके आती हूँ।